हेलो वो अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं देखते रहिए। मेरा नाम मेडिसिन, वेलकम बैक टू एनिमेशन वीडियो। विराट कोहली का ये एक इंटरव्यू है, इसका पार्ट वन मैं ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका हूँ, आपको मिल जाएगा। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो पहले आप वो देख लें, फिर आप इस पे आइएगा। बहुत कुछ है उस पार्ट वन में देखने को, और ऑलमोस्ट हाफ आवर का वो पार्ट वन था। इसमें भी कुछ और प्लेयर्स की बातें, ड्रेसिंग रूम की बातें, ऑफ द फील्ड कैसे विराट कोहली रहते हैं, कैसे इंडियन क्रिकेट टीम रहती है, तो कुछ रास जो हैं हमें वो मिलने वाले हैं। बहुत ज़्यादा फन था इस वीडियो में। सो लेट्स वॉच आउट पार्ट टू। ऑक्ट्री का, ऑक्ट्री स्पोर्ट्स का वीडियो है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। Which school did you go to? I went to a school called Xavier Convent. My coach took me to that school क्योंकि हमारी एकेडमी वहाँ खुल रही थी। अच्छा। और स्कूल वालों से ये डील थी कि हम स्कूल की टीम बनाएंगे तो लड़कों की एडमिशन करवा देंगे और स्कूल की एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाएंगे। मतलब बचपन से डील? यार मैंने नहीं डील करी थी। उस टाइम स्कूल क्रिकेट बहुत स्ट्रॉन्ग थी ना दिल्ली में, तो वो तो थी, उसका बहुत अच्छे टूर्नामेंट्स होते थे, तो उस चक्कर में मेरे को स्कूल चेंज करना पड़ा। कैंटीन में क्या मिलता था? कैंटीन में वेज पैटी, हाँ। 5 रुपए वाली, और समोसे, छोले कुलचे, लेमन सोडा, बर्गर। ब्रेकफास्ट चैंपियंस, ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस, गौरव कपूर होस्ट। यू नो यू वर बीइंग फास्ट ट्रैक, राइट? देयर वाज दिस टॉक इन द मिडिल के जैसे मैनेजर्स को फास्ट ट्रैक करते हैं वैसे विराट को फास्ट ट्रैक कर रहे हैं। डिड यू हियर दिस टॉक अराउंड यू? डिड यू एवर फील दैट ड्यूरिंग माय इनिशियल डेज? या ड्यूरिंग इनिशियल डेज, अबाउट अ ईयर इन, या अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद ही शुरू हो गया था। अभी यू नो पीपल आर लुकिंग एट यू, पीपल हैव सीन यू प्ले, शायद तू इंडियन टीम में सेलेक्ट हो जाए। तो आई स्टार्टेड थिंकिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट आईपीएल में आई हैड टू मच प्रेशर ऑन मी बिकॉज आई वॉज थिंकिंग अबाउट द एक्सपेक्टेशंस कि यार मुझे अच्छा आईपीएल करना ही है बिकॉज आई माइट हैव अ चांस टू प्ले फॉर इंडिया। आईपीएल वॉज अ डिजास्टर फॉर मी फर्स्ट ईयर, द टीम डिड नॉट डू वेल, सो आई वॉज नोवेयर इन द पिक्चर। बट देन कोइंसिडेंस तो मैं अब बिलीव नहीं करता कि कुछ होता है, एवरीथिंग इज मेंट टू बी। तो ऑस्ट्रेलिया में वी आर प्लेइंग एंड दिलीप वेंगसरकर वॉज द चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स दैट टाइम एंड ही हैड टू कम टू वॉच अ कपल ऑफ गेम्स इन ऑस्ट्रेलिया। सो वी आर प्लेइंग अ गेम अगेंस्ट न्यूजीलैंड ए, और वो भी सीरीज मेरी अच्छी नहीं जा रही थी, आई वॉज ड्रॉप फ्रॉम द टीम। सो दैट वेरी गेम 3-4 पीपल इंसिस्टेड कि यार इसको चांस दे सकते हैं एक और, आई थिंक तो प्रवीण आमरे वॉज द कोच। सो ही आस्क्ड मी वेदर आई विल ओपन द इनिंग्स। आई सेड सर आई विल ओपन, आई जस्ट वॉन्ट टू प्ले, मेरे को खिला दो। तो दिलीप वेंगसरकर वॉज ड्यू टू अराइव दैट डे एंड बाय द टाइम ही अराइव 15 मिनट बाद हमारी बैटिंग शुरू हो गई। इट जस्ट कम फ्रॉम द एयरपोर्ट, सीधा बैटिंग शुरू हुई। आई ओपन द इनिंग्स एंड कोरी एंडरसन, क्रिस मार्टिन एंड टिम साउदी भी था उस टाइम। तो आई स्कोर्ड 120 नॉट आउट, शिखर एंड मी ओपन एंड ही सॉ मी प्ले एंड ही हैड सीन मी प्ले पहले। सो ही मेड अप हिज माइंड कि मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सो व्हेन यू जॉइंड, हु इज ऑब्वियसली, वी आर टॉकिंग अबाउट सचिन, वी हैव टू टॉक अबाउट सचिन, व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू फर्स्ट वेंट टू ड्रेसिंग रूम और फर्स्ट वेंट टू प्रैक्टिस एंड बैटिंग? पहला मेरा एक तो इंटरेक्शन बहुत फनी था। फर्स्ट इंटरेक्शन मैंने प्रिपेयर सिर्फ 2 दिन से यही किया कि मेरे को उनसे मिलना है, इंडियन चेंज रूम में ना जाके मेरे को सचिन तेंदुलकर से मिलना है। अच्छा, अब इन लोगों को ना पता चल गया, मैंने किसी ना किसी से तो बात करी कि यार मेरे को बड़ी ना घबराहट हो रही है। इन्होंने प्लान बनाया, कहते हैं कि जो टीम में नया आता है वो पहले माथा टेकता है पाजी के पैरों में जाके। अच्छा, मैं सीरियसली मान गया इनकी बात, मैं गया हूँ। हेलो पाजी, अरे हाय हाउ आर यू, मैंने कहा गुड। मैं नीचे जाने लगा, कह रहे क्या कर रहा है। मैंने कहा इन लोगों ने बोला कि आके माथा टेकना होता है आपके पैरों में तो कहते नहीं नहीं यार तेरी टांग खींच रहे। मेरा पहला इंटरेक्शन वो था। और ये किसने बोला था, यूवी ने बोला था कि भज्जी ने बोला था? यूवी पाजी, भज्जू पा, मुनाफ पटेल एंड इरफान पठान। मुनाफ पटेल वॉज द बिगेस्ट इंस्टिगेटर इसमें कि मेरे को कन्विंस ही कर दिया, नहीं करेगा तो सब देख ले तेरा क्या होगा, हमें हम तो गारंटी नहीं लेते, ये तो करना पड़ेगा। मतलब मैं ब्रेन वॉश हो गया था। बट जब मैं विदाउट बिफोर अप्रोचिंग हिम, व्हेन आई वाज मेकिंग अप माय माइंड कि यार कैसे मैं जाऊं, आई रिमेंबर आई वाज सिटिंग डायरेक्टली ऑपोजिट टू हिम इन द चेंज रूम एंड ही वॉज राइट इन फ्रंट एंड ही वॉज ऑर्गेनाइजिंग इन स्टफ एंड आई वॉज जस्ट लुकिंग एट हिम लाइक दिस। मतलब मुझे टाइम रजिस्टर करने में लग रहा था कि ये सच है, कि बीच में कोई टीवी स्क्रीन नहीं है। तो दैट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट। व्हाट डू थिंक अबाउट कंपैरिजंस? आई डोंट बिलीव इन देम। कंपैरिजन एक तो होता है कि चलो बंदों का कंपैरिजन हो सके, तो मेरा कंपैरिजन ऐसे इंसान से करते हो जिसकी वजह से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। स्किल लेवल में कोई मुकाबला ही नहीं है, इज द मोस्ट कंप्लीट बैट्समैन एवर, कहाँ से कंपैरिजन हो सकता है। आई हैव ऑलवेज सेड इट्स नॉट फेयर ऑन हिम because of what he's given us. Yeah, he doesn't deserve to be compared to us. Yeah, this generation, no chance. Is that the most
I guess 2011 would be, you know. Actually, let me just ask you, what is the most, even if I name you three, if you can't name one, the most special moment of your playing career? 2011, one. 2013 Champions Trophy, two. And Test victory at Lords, number three. Those three have to be the most special, I feel. Going into the 2011 final, do you remember the previous evening? I just remember, from bread to bread, pehle jao. I just remember last day. Chore. I just remember walking in and watching my idol come out after getting out. Yeah. And walking into one kid, I felt like yaar ye ya to ye log bhul gaye hain ki main India mein. Yeah. Ya nahi lag raha main number 11 ka player hu. Ki koi ummeed hi nahi hai. Koi shor hi nahi macha raha hai yaar, thoda to kuch to ye koi to bole ye. Ye ho raha bachche, koi to India mein ho raha bhai, koi to taali. Main dekha bhi tha ek do baar upar, main gaya please. Anyone? मतलब बिल्कुल शांति ऑब्वियसली है, सचिन तेंदुलकर हैज गॉटन आउट, वर्ल्ड कप फाइनल, वी ऑल वांटेड हिम टू गेट रन्स एंड विन इट फॉर इंडिया, दे ऑल वांटेड हिम टू गेट रन्स एंड विन इट फॉर इंडिया. कट टू, वी आर 28 for 2. आई एम वॉकिंग इन, मलिंगा इज बॉलिंग एंड ही पिक्ड अप सहवाग एंड सचिन बोथ, और मैं यही प्रे कर रहा था, मैंने कहा भगवान ये यॉर्कर ना मारे, बस पहली बॉल, पहली ना मारे, बस एक बॉल मैं खेल लूँ उसके बाद ठीक. उसने लेंथ बॉल डाली, मैंने डिफेंस कर ली, उसके बाद मेरा थोड़ा रिलैक्स हो गया. उस टाइम तक तो मुझे कुछ होश नहीं था क्या हो रहा है. योर फेमस स्टेटमेंट इन 2011, भाई वो स्टेटमेंट 2011 सुनने के बाद ना हम सबने कहा वो भी पता नहीं कहाँ से आ गई यार, उस टाइम तो इतनी इंग्लिश आती भी नहीं थी. हाँ, कहाँ से निकल के आई वो, ही कैरीड अस ऑन हिज शोल्डर्स, मुंह से निकलेगी और कहाँ से निकलेगी पक्का. क्योंकि एक बार कोई एड शूट होता था जहाँ पे कहीं और से भी कुछ निकल सकता था. कौन सा एड शूट? जो वॉरियर वाला. ओ ब्लडी हेल, कपड़े फट गए. किसने फाड़े नहीं थे वैसे, होते फाड़े नहीं थे मुझे. एक मैं वॉज डूइंग एन एड, दे मेड मी लुक लाइक अ सुपर हीरो, और सूट मुझे दिया बिल्कुल मतलब स्किन टाइट, जो हम वो नहीं पहनते स्किन्स जो बोलते हैं, बॉडी आर्मर पूरा. मैं बड़ा कूल फील कर रहा था, मेरे हाथ में उन्होंने बैट दिया हुआ है, कहते हैं आपने बॉल मारनी है, लेज़र लाइट्स लगी हुई है, आपने यहाँ से निकलना है वहाँ से निकलना है. मैं चलो जी करेंगे, बड़ी अच्छी सेटिंग थी. थोड़ी देर में ना करते करते मैं एक्साइटेड हो गया, तो बड़ा इंटेंस शूट चल रहा था. उसके बाद थोड़ी देर बाद ना मुझे ठंड लगने लगी नीचे थोड़ी, ये हवा से आई. मैंने कहा यार पता नहीं क्या है, मेरा कॉस्ट्यूम इतना नीचे से फटा हुआ था, ऊपर से मैं दिख रहा हूँ स्लीक सुपर हीरो, नीचे से फकीरों वाले हाल मेरे. नीचे से पूरे मेरे कपड़े फटे हुए, वो मेरे को बहुत एम्बैरेसिंग, और मेरा अंडरवेयर भी थोड़ा चमकीले से रंग का था. इतने पैसे नहीं देते उन्होंने. मैंने कहा यार सुई धागा तो लगाने दो, कुछ तो करो, खेलने तो दो, उसके बाद बिकवा लेना जो बिकवाना है. फटे कपड़ों में बेच गया. क्रिकेट के बाद तो ये सीखने को मिल गया है कि कुछ भी कभी भी फट सकता है. एब्सोल्युटली, क्रिकेट में तो कभी भी फट सकता है. डर तो लगता है. दूसरी तरफ अगर वीरेंद्र सहवाग बैटिंग कर रहा हो या हार्दिक पांड्या बैटिंग कर रहा हो, भाई मैं तो क्रिस गेल तक के साथ खेला हूँ. सही बात, वो तो सामने मारता था. मुझे एक बार ना एक कुमार धर्मसेना एक अंपायर, तो बैंगलोर में मैच चल रहा था, तो क्रिस गेल भाई साहब पूरे अपने जोश में थे, उन्होंने सामने वाली टांग साइड में रखी और बॉल आ गई रडार में, उन्होंने सामने मारी, तो मैंने, मेरे पास इतना ही टाइम था, मैंने यूँ किया बस. मैट्रिक्स वाला ही मूव हो पाया मेरे से, बॉल निकल गई साइड से. तो मेरे को अंपायर क्या बोल रहा है, कह रहा है व्हाट आर यू डूइंग. मैंने कहा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, कहता है लिसन, व्हेन क्रिस हिट्स गो लाइक दिस, डोंट गो लाइक दिस, इफ बॉल हिट्स योर हेलमेट एंड इट कम्स टुवर्ड्स मी आई एम डेड. मैंने कहा ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड. उसकी इतनी दहशत थी, अंपायर तक डरते थे ऐसे खड़े रहते. तो हु आर द बोलर्स दैट यू हैव इन द बिगिनिंग ऑफ योर करियर यू सॉ एंड सेड बस ये तो नॉन स्ट्राइकिंग एड्स ही अच्छा लगेगा. सी आई नेवर फेस्ड शोएब अख्तर, बट आई हैव सीन हिम इन अ गेम इन द अम्बुला अगेंस्ट पाकिस्तान. आई गॉट आउट, आई कुडंट फेस हिम, बट आई सॉ हिम बोल एंड ही लुक्ड, इवन एट यू नो द लेटर स्टेजेस ऑफ हिज करियर ही लुक्ड वेरी लीथल. तो वो देख के मुझे लगा यार ये जब पीक पे बॉलिंग करते होंगे तो मतलब ऐसा ही लगता होगा कि दूसरे एंड पे ही रहो. ऑल्सो मोहम्मद इरफान, टॉल गाय, वो तो फर्स्ट फ्लोर से डालते हैं ना. मैंने एक्चुअली वर्ल्ड कप मैच से पहले, संजय बांगर इज़ आर बैटिंग कोच, सो उन्होंने एक आई डोंट नो एक फुट का कोई वो था स्टूल टाइप था, तो वहाँ पे खड़े होके वो बॉलिंग एट,
to prepare for this guy. So he was abnormally, कुछ अजीब था, इतना bounce होके ball used to go from here. Yeah. मुझे अभी भी याद है 2020 match था Bangalore में, तो me and Yuvika were batting. तो I tried to pull him. तो Yuvika कहते हैं bounce हो रहा है, cut मार. तो जब मैंने pull मारा तो ball इतनी ऊपर से गई. मुझे समझ नहीं लगी, मैंने कहा ये क्या हुआ? कह रहे वो लंबा है, कट मार विद द पेस. मैंने कट मारा फिर इतनी ऊपर से गई. कह रहे रहने में कह रहे इस तरफ आ जा. मैंने कहा मेरी हाइट इतनी है, मैं पहुंच नहीं पा रहा. The last 10 years have you ever woken up not feeling 150% passionate? Because I believe you wake up feeling 150% passionate every day when you go to play. Everyone has off days. I've woken up feeling a sense of detachment from what I'm doing. Yeah. Ki yaar mujhe nahi karna. But that has been because of excessive pressure that's been on me during a difficult phase. But still, I've had the ability to still tell myself, nahi, I'll go out and try once more. Jis din wo khatam ho gayi na ki go out and try once more, fir nahi aap kar sakte ho. Fir no one can convince you. Yeah. No chance. So what is the motivation? Motivation is just about winning. Jis din passion khatam ho gaya, I'll stop playing. I'll never want to drag myself for more than my body can take. Jis din I feel like, yaar, I'm standing on the field thinking, yaar, why am I doing this? Matlab wo passion nahi hai na jeetne ka, wo energy nahi hai jeetne ki. मैं नहीं खेल सकता हूँ, मैं खेल ही नहीं सकता हूँ. देन दैल जस्ट बी अ पार्टिसिपेशन थिंग कि चलो आपको स्किल है, आपको खेलने का आइडिया, तो आपने रन बना दिए, परफॉर्मेंस कर दी. बट इफ आई कांट कंट्रीब्यूट टू द टीम, आई वोंट प्ले. नाउ एवरीबॉडी कीप्स आस्किंग यू क्वेश्चंस अबाउट योर ग्रेट फॉर्म, बट यू आर नाउ यू आर अ थिंकिंग पर्सन, यू आर अ प्रैक्टिकल पर्सन, यू सीन एवरीबॉडी एल्सस लॉन्ग करियर्स. एक ट्रफ तो आता ही है, सबका आता है कि एक भाई कभी ना कभी तो होगा कि नहीं मिलेगा बल्ले का बीच, जो भी कर लो. Have you, is that something that you think about? Is it something that, or is it a passing thought? Yaar, mere saath aa to chuka ek baar, England mein, 2014 mein. That I think was my worst phase in terms of inconsistency. Baaki, abhi na, jaise performance ho jaati hai 4-5 saal, to log wait karte hain. कि कभी ना कभी तो बुरा टाइम आएगा. मेरे लिए एवरी मैच इज लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई गो आउट देयर एंड आई ट्राई टू डू माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज. मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे किसी को कुछ प्रूव करना है या मेरी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, अब लोग मेरे से ये एक्सपेक्ट करते हैं मुझे ऐसे खेलना. बॉल देखी, खेल दी, मैच जिताना है, रन बनाने हैं, फील्डिंग में पूरा एफर्ट करना है, चाहे रन बने ना बने, उतना ही मेरा माइंडसेट है और वही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. जब बैड फेज आएगा तो सर सीखने का अपॉर्चुनिटी है. जितना मैंने उस इंग्लैंड वाले फेज से सीखा, I don't think I've learnt in my cricket career more before or after that particular phase. I hope ke aaj bhi ye spirit aise. The biggest challenge for me initially was to get over this phase of people judging me for my image. Yeah. You know, ki tattoo hai mere tab. I used to wear those studs then and baalon mein gel tha and all that. I used to like to, you know, dress style up and ha. Logon ko problem hoti thi, are inme to ye aajkal ke londe to bahut wo hai, bahut flamboyant hai, bahut flashy hai. शरीफा कहते हैं ना दुनिया में सबसे बड़ा रोग कि मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग. एब्सोल्युटली, दैट्स सो ट्रू. मैंने बेस्ट क्या किया है अभी कि मैं सोशल मीडिया वगैरह से मैं दूर ही हट चुका हूँ. एंड इट्स द बेस्ट थिंग दैट आई हैव डन. एक्चुअली इंसिडेंटली लास्ट IPL ओनली मी एंड अनुष्का हैड कम टू सी मी टू बैंगलोर और मैं इंस्टाग्राम पे था. सो शी टोल्ड मी कि यू नो व्हाई डू यू हैव टू look at or see what people are saying about you. Yeah. You want to post things, you still can, but you don't have to physically see it yourself. Yeah. I want to post stuff, yes, I post stuff. I you know, send all the content, I post stuff myself, but I don't want to read any comments. Yeah. Or kya matlab, it's peace of mind like no other, because fir hota kya hai na ki aap acha perform karoge tab problem hoti hai. Aap kehte ho log kya achhi baatein bol rahe mere bare mein, aur jab kharab karte ho वही आदमी हफ्ते बाद आपकी बुराई कर रहा है. Yeah. फिर आप कहते हो यार ये आदमी ने मेरी बुराई कैसे कर दी. फिर आप प्रेशर में आ जाते हो कि अब तो मुझे परफॉर्मेंस करनी है उस आदमी के लिए, वो एक एक शख्स. तो अभी मैं कट कर दिया है यार. एक तो ना इन चीज़ों में टाइम असाइन करना इज़ वेरी डिफिकल्ट. सोशल मीडिया, इट्स आई मीन वट एवर गुड इट डज, द कॉन्स आर इमेंस. अभी तो मुझे ना सेंस हो जाता है मेरी, अब इतनी बार लोग फोटो या वीडियो लेने की कोशिश करते हैं, सेंसेस ना शार्पन हो जाती है. मतलब मैं खाना ऐसे मुंह में जा रहा हूँ और वो वीडियो बना रहा है. मैंने कहा तू क्या बनाना चाहता है कि पालक मेरे दांत में फंसे और फिर तू उसको जूम कर करके दिखाए. मतलब क्या मोटिवेशन है यार. ऐसे तो शादियों में वीडियो होते थे ना खाते हुए.
वैसे फील आती है वो पंखे के आगे खा रहे होते ना भल्ले दही भल्ले तूफान फैन होता था उसके ऊपर एक वो ड्रॉप चलती रहती है पानी की जब ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे सब डिस्कशन होती है पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है क्रिकेट में क्या होना चाहिए सब पता होता है उनको वो तूफान फैन के आगे इस देश के सारे डिस्कशन हो चुके हैं इम्पोर्टेंट सारे तूफान फैन के आगे भी शुरू होते पूरे भल्ले नहीं छूटते उनके दही और चटनी गिर रहे होते हैं साइड में बट अच्छा है कि दिल्ली का छोकरा है यहाँ पे बिकॉज दैट्स व्हाट आई सी आफ्टर नोइंग यू फॉर सो मेनी इयर्स व्हेन आई सी यू नो गिविंग ऑल सीरियस यू नो एक्चुअली द बॉयज हल्की सी हंसी आ जाती है मेरे को थोड़ी सी और फिर मैं बहुत इंप्रेस होता हूँ मैंने कहा यार जेंटलमैन सर लेडी लक का कमाल है हमें तो आपने देखा है हमें तो अकल थी नहीं कोई लाइफ में जब से लेडी हैज़ कम इन टू माई लाइफ शी इज़ टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स तो काफ़ी समझ आ गई है काफ़ी अकल आ गई पिछले चार सालों में ऑल बिकॉज ऑफ हर तहजीब सिखाई उन्होंने ठहराव बिल्कुल सर ठहराव सिखाया और जिस पोजिशन में हो लाइफ में उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है सब वहीं से सीखा बट उस टाइम भी मैंने आई नेवर ट्राई टू बी एनीवन एल्स मतलब आई नेवर ट्राई टू टेल माई सेल्फ कि यार मुझे यू नो आई शुड बी रीडिंग बुक्स और आई शुड बी डू मतलब दोज आर ग्रेजुअल थिंग्स यार इफ यू लाइक इट यू लाइक इट सो लकीली मैं कभी अपने आप को चेंज करने की कोशिश करी नहीं बट द फ्लिप हैज़ बिन बिकॉज ऑफ हर इंग्लैंड में 2014 में अनुष्का वॉज देयर इन माई लाइफ शी अंडरस्टूड व्हाट आई वॉज गोइंग थ्रू सो शी केप्ट मी मोटिवेटेड यू नो हर सपोर्ट हेल्प मी पुश थ्रू हाउएवर बैड इट वॉज फॉर मी Yeah. But she was a constant in that time. And then Australia happened and she was still there and I ended up scoring runs when she was, you know, in her presence. So it was a special thing for both of us because she also faced so much flack. Aise humko aise criticize kiya ja raha tha ki dekhiye aisa hi hota hai jab girlfriends ko allow kar diya jata hai tour pe. To maine bola yaar agar tum logon ko theek nahi lagta hai तो कोई रिलेशनशिप में नहीं रह सकता है क्या मतलब तुम्हारे हिसाब से या तो शादी करो या अकेले घूमो ऐसे कैसे होता है एक बात बताओ बट इन अ कंट्री वेयर एवरीवन इज सो क्वाइट अबाउट दीस थिंग्स एंड व्हाट यू ऑलवेज फ्रॉम द बिगिनिंग व्हिच हैज बीन ग्रेट यू हैव बीन ओपन अबाउट सेइंग बॉस को गलत काम थोड़ा करता हूं यार इसका ना प्यार किया तो करना क्या एब्सोल्युटली इसका बहुत बड़ा रीजन ना एक तो मिस्टर ज़हीर खान लकीली ही वाज द वन ऑफ द फर्स्ट गाइस आई स्पोक टू अबाउट दिस एंड ही सेड जो तुझे करना है ना डोंट ट्राई टू हाइड इट बिकॉज उससे क्या है कि तुझे खुद को एक तो बहुत स्ट्रेस हो जाएगा ऊपर से यार यू आर इन अ रिलेशनशिप यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग यू नो यू नॉट कमिटिंग क्राइम तो आई एम एक्चुअली वेरी ग्रेटफुल कि माई फर्स्ट इंटरेक्शन अबाउट दिस वॉज विद जैक एंड ही टोल्ड मी द राइट थिंग टू डू सो आई फॉलोड इट एवर सिंस आई मीन वी डोंट गो आउट देयर एंड बी madly vocal about it or you know have social media conversations which mere ko to samajh nahi aata yaar ki matlab aapas mein bolo na bolo social media pe zarur bolna hai I miss you are dusre kamre mein baithi hai oh na type karna hai dikhana hai वैसे level pe nahi hai but yeah we don't hide it it's good that you spoke with Zach why kyunki hamare do char aur bhai log hain unse baat ki hoti to alag advice milta main bol to raha hu I'm grateful I went to Zach सबसे ठहराव वाले आदमी से बात की गई which is what I love about him he's very sorted Zach in his thinking. Zach is the best any life problem anyone has speak to Zach his number is call Zach thank you green tea ला दीजिए please green tea उनको नींबू के साथ thank you अच्छा मैं आपके लिए गिफ्ट लाया था oh present लो thank you ये है हमारी साउंड दैट इंस्पायर्स अकूस्टिक्स कंपनी के हेडफोन्स ट्राई करके देखो ये आपकी अपनी कंपनी है हाँ मतलब इकलौते वारिस जी एवो ग्रुप ऑफ कंपनीज के इकलौते वारिस जी नहीं कोली ग्रुप ऑफ कंपनीज मैं विकी बेटे बोलने वाला नहीं हूँ गुड मॉर्निंग विकी बेटा गुड मॉर्निंग अंकल नहीं अभी वो वाला हिसाब नहीं हुआ बट द लुक गुड है क्वाइट नाइस व्हाट है नॉइज कैंसिलेशन नहीं है गलत प्रोडक्ट मत बेचो वो सबसे इम्पोर्टेंट बात तुम करना भूल ही गए क्या प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल मैं अपना बेच रहा हूँ ये दूसरा हो गया अभी इवनिंग विद चैंपियंस ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस सब्सक्राइब करना वैसे हमेशा ब्रेकफास्ट खाते ये बहुत बिजी हो गया अब देखो कोहली एंटरप्राइजेस का इकलौता वारिस आई वांट टू थैंक यू आई नो बिटवीन प्लेइंग सो मच क्रिकेट एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड द फुल रेडी गाड़ी में पड़ा है ठेला क्या खरीदोगे आओ आना हवेली पे आना
I like your t-shirt. Thank you. You're welcome. Japan. Sweet. Okay, that's a good way to sign off. That's a good way to sign off. Yes, sir. Okay, that was part 2. I was continuously watching the kitna time reh gaya because mera jo camera hai uski battery mujhe end hote hue dikhai de rahi hai, kisi bhi time camera off ho sakta hai, so whatever mujhe wind up karna tha. Ye wala part as compared to part 1 kafi itna zyada funny nahi tha, isme incidents itne zyada funny wale nahi the, kuch serious tha. Isme mujhe Virat Kohli ki jo story janni thi basically ke wo अभी तो ये इंटरव्यू इतना नया भी नहीं है, एग्जैक्टली किस डेट को ये अपलोड हुआ है मुझे वो देखने दें, वेट अ सेकंड, 4 साल पुराना है ये, 5 साल पुराना है ये, नवंबर 2017 का है. सो इस डेट के बाद ही से वो टाइम स्टार्ट हुआ है कि विराट कोहली अब तक कोई सेंचुरी स्कोर नहीं कर पाए इंटरनेशनल क्रिकेट में. सो ये क्वेश्चन उन्होंने किया कि कभी ना कभी डाउनफॉल आएगा, वो हर प्लेयर का आता है, तो उससे कैसे डील करेंगे. वो बड़ा ही क्लियर मैसेज दिया जिससे मैं बहुत इम्प्रेस भी हुआ. और इन्होंने क्लियर ये भी कहा कि जिस दिन उनको लगेगा कि उनके अंदर क्रिकेट का पैशन खत्म हो चुका है, जिस दिन उनको लगेगा कि अब और क्रिकेट उनको नहीं खेलनी चाहिए, वो टाटा बाय बाय कर देंगे क्रिकेट को. सो आई होप कि आज भी ये मोटिवेशन ऐसी होगी. मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ कोहली का, MS धोनी का और उसके बाद विराट कोहली का. सो आई विश के जल्दी ही वो सेंचुरी स्कोर करें इंटरनेशनल क्रिकेट में. स्टिल वो जब भी खेलते हैं तो होप्स होती हैं और उनकी इनिंग की कुछ शॉट्स लाजवाब होती हैं. वो अपनी एवरेज भी मेंटेन कर रहे हैं, बट एक सेंचुरी मिसिंग है, होप्स वो नजर आए. I have to wind it up. So, मिलते हैं किसी narration के साथ. तब तक के लिए अलाने के बाद.